ये और सब गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस मैं आप सभी के लिए एक और न्यू पबजी मोबाइल का सोलो स्क्वाड का गेम प्ले लेकर आ चुका हूं। एंड ये वाला जो मैच है यार, ये मैच बहुत अमेजिंग था। मैंने शुरू से लेकर एंड तक बहुत खतरनाक तरीके से खेला, बहुत एकदम सोच समझ के खेला है। ज्यादा किल के लिए मैं नहीं भागा, बट एंड में जाकर यार मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस गलती को खुद देखने के बाद आप भी मेरे को कहते हो भैया ये क्या कर डाला यार, इतना बढ़िया खेल रहे थे तुम तो। और भाई इस वीडियो को जो है ना लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि एंड में मैंने यार कुछ कमेंटर्स को रिप्लाई दिया जो कि मेरी वीडियो पे कमेंट्स करते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस के अगेंस्ट मैंने उन लोग को रिप्लाई दिया है। तो वो चीज ना सभी लोग देखना, आपको एक बहुत ही काम की चीज जो है समझ आने वाली है। तो गेम प्ले वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। एंड अभी मैं जा रहा हूं पोचिंग की, क्योंकि पोचिंग की मेरा फेवरेट तो है ही, पोचिंग की जॉर्ज अपना सब फेवरेट है। तो यहां पर मैं उतर रहा हूं पोचिंग की में। एंड आपको पता होगा मैं हमेशा कॉर्नर प्रेफर करता हूं, कि कॉर्नर में आराम से लूटो, आराम से जाओ। गन फाइट अगर तुमने ले ली तो आर्य पार का गेम है, या तो तुम मार दोगे गन मिल गई तो, या वरना पिट के आओगे। तो यहां पर भी मैं कॉर्नर में उतरूंगी, कॉर्नर में सैंडविच भी नहीं होता है। तो मेरे गन तो मिल चुकी है, तो मैंने कहा चलो भैया अभी गन मिल गई है, मैं ज्यादा लूट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि अगर मैं लूट में लग गया तो भैया किल आपके नहीं निकलने वाले अगर आप लूट में लग गए तो यही रिस्क होता है। तो इसलिए मैं सीधा क्या करता हूं, एक गन मिलती है पुश कर देता हूं। तो यहां पर मेरे को VSS मिल चुकी है एंड डेजर्ट ईगल है। भैया देखा जाएगा आर एफ आर का गेम है, अपन सीधा पुश करेंगे सामने वाले घरों में, क्योंकि इधर फायरिंग बहुत हो रही है। अब यहाँ पर आते हैं, मुझे AKM मिल चुकी है। अब आपको पता ही होगा AKM से तो मैं सीधा मतलब कि बुलेट ट्रेन बना दूंगा, सीधा राजधानी बना दूंगा बंदों की, इतनी तेज मारूंगा ना, इतनी तेज जाएंगे लोबी में पता भी नहीं चलेगा। तो अभी सीधा चल रहे हैं हम, AK मिल चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख लो किस्मत कितनी तगड़ी है, AK के साथ 30 AMO मिली थी और यहाँ पर देख लो मेरे को 60 AMO और मिल गई। तो मैंने कहा चल भाई अब तो और गंदी भीड़ बनेगी, अब तो फ्री फायर के साथ मारूंगा गंदे वाला। तो मैं इधर आ गया और मुझे फुटस्टेप आने लग गए। तो इन तीनों को तो मैंने भैया गदरी वाला नॉकडाउन कर दिया। एंड यहाँ पर तीनों भी कह रहे होंगे भैया ये क्या होगा, दो बंदे यहाँ पर नॉकडाउन हो गए थे और एक बंदा डायरेक्टली रिवाइव होने चला गया। तो मैंने कहा चल भाई मैं तो भैया अंधा थोड़ी हूँ, अभी आ रहा हूँ तेरे को पकड़ने। तो मुझे पता लग गया था वो इस घर के अंदर नॉक होते घुस गया, तो यहीं रिवाइव भी हो रहा, तो चलो चलते हैं मारने फिर। तो ये बंदा भी रिवाइव दे रहा था एंड यहाँ पर मैंने इन सबको फिनिश कर दिया और आराम से अपने 5 किल हो चुके हैं। तो मेरे को पता था यार कि अभी और भी बंदे यहाँ पर हो सकते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए हमेशा। तभी मुझे सामने वाले घर पर से फुटस्टेप आने लगे और बंदा भी दिख गया। तो भाई जब मैं इधर आया तो मुझे पूरा फुटस्टेप आ गया था कि बंदा कहाँ पर होगा। तो बंदा जो है हमेशा इधर ही कैंप करते हैं, तो जब भी इधर बंदे कैंप कर रहे हो ना, तो उसके लिए सबसे अमेजिंग ट्रिक बता रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दूसरी वाली बिल्डिंग में जाना है एंड इधर खड़े हो जाना है। अगर एक बंदा हो तो ही ट्रिक करना, या फिर आपका कोई टीममेट आए कवर दे रहा हो तो करना। अभी जैसे मैं अकेला हूँ तो अकेले बंदे को मारना, तो डायरेक्ट इस तरीके से घुस जाओ और यहाँ पर बंदे की बना दो बकरी। तो यहाँ पर इस बंदे को तो गंदा वाला मारा। अगर उस घर में दो बंदे कैंप करके बैठे हैं तो ये गलती मत करना, अगर दो लोगों ने कैंप कर रखा है फंस सकते हो आप, मारने को मार भी सकते हो बट रिस्क है, ठीक है। तो इसको दो बंदे हो घर के अंदर तो ट्राई मत करना, या फिर अगर आपका टीममेट कोई कवर दे रहा हो तो आप जा सकते हो, वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। तो यहाँ पर अभी एक ही बंदा बैठा हुआ था, तो मैं आराम से इजीली घुस के मैंने इसे मार दिया। अब क्या हुआ कि जब मैं इधर से उतरा तो मुझे एक बंदे का बोट का साउंड आ गया, तो मैंने कहा चलो भैया मार देते हैं इसको भी। तो यहाँ पर बोट भी आया अपना, एक किल हमें दे गया। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अभी भी और बंदे जो है जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि ये जो बंदा था जिसको मैंने मारा ये भी नॉकडाउन हुआ था। तो मैं इधर से पूरा एकदम पूरा राउंड काट लिया था, एक एक घरों में ढूंढा कोई नहीं दिख रहा था। मैंने एक ना बोट फायर करा ताकि वो लोग खुद निकल कर आए, जो भी छुप छुप कर बैठे हुए हैं वो लोग खुद निकल कर आए, भैया मैं तो ढूंढता रह जाऊँगा वरना। तो कभी कभी स्क्वाड हाउस में भी कैंप करके बैठे होते हैं, बट अभी तो कोई भी नहीं था, कहीं पर भी कोई नहीं नजर आ रहा था। बट जैसे ही मैं भागता जा रहा था तो मुझे ऑरेंज वाली छत पर ना कुछ एक बंदे का सिर दिखा, मेरे को लगा शायद पेड़ की पत्ती ना हो, बट वहां तो कोई पेड़ ही नहीं था, मैं समझ गया बंदे की खोपड़ी है वो।
तो यहाँ पर भैया इसके तीनों टीममेट को तो मैंने भैया गदरी वाला मार दिया और मजा सही आ गया इनको तो मार के। बेचारा एक बंदा तो इनका कतई नूब था, मतलब कि वो बोट को मारने आ रहा था, अपना एक का केडी मेंटेन करने आ रहा था यहाँ पर, और उसको मैंने वो भी मेंटेन नहीं करने दिया। तो यहाँ पर इन सबको मारने के बाद मुझे पता था कि यार अभी तो जोन में जाना, क्योंकि ज़्यादा बंदे चाहिए। तभी इधर जो है पीछे की तरफ फ्लेयर चला हुआ था, तो मैंने कहा चलो भैया चलते हैं, बना देते हैं फिर इनकी भी बकरी। और यहाँ पर इस चीज़ को स्किप बिल्कुल भी मत करना, और बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई साहब, ऐसी फाइट हुई है ना, मतलब कि मेरे रोड क्रॉस करने की हिम्मत नहीं रह गई थी, इतने बंदे आ गए थे। मतलब अगर इसी घरों में नहीं आए तो दूर दूर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर फ्लेयर लूटने एक बंदा आया, जिसको तो मैंने एकदम एकदम टट्टी सा स्प्रे मारा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत घटिया स्प्रे था, क्योंकि मेरे पे भी एंगल ग्रिप वगैरह पता नहीं कौन सी ग्रिप लगी हुई थी इसके अंदर, जो भी थी बढ़िया ग्रिप नहीं थी, और 4x की मेरी सेंसिटिविटी भी बेकार चल रही है। तो यहाँ पर मैंने इस बंदे को नॉकडाउन कर दिया। तो मैंने कहा नहीं भैया ऐसे ओपन में नहीं जाना, चारों बंदे होंगे, अब चार बंदों से मैं भिड़ लूंगा, मेरे को कोई डर नहीं लग रहा। वहां पर एक बंदा भी अगर लेटा हुआ होगा ना भैया, मेरे जैसे तीन मारेगा वो तीन, मतलब यार ऐसे छुपे रहते हैं ना घनी घासों में, नॉर्मल घास होती है मैं फिर भी चले जाता हूँ, जैसे अभी मेरे अगल बगल है घास, वहां पर भैया बहुत ज्यादा घनी घास हो रखी है लेफ्ट की साइड में, तो मेरे को नहीं जाना भैया, मेरे को नहीं मरना है सांप से। तो इस घर में एक बंदा जाता हुआ नजर आ गया, क्योंकि वो दीवार रेंडर नहीं हो रही, तो लेकिन जब मैं स्कोप खोल रहा हूँ तो दीवार रेंडर हो जा रही है। तभी मुझे पता लग गया था कि मैं अपना आराम से तब से लेकर अब तक मैं यहाँ पर होल्ड ही कर रहा हूँ, मैं कहीं पर भी नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ होल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, तभी मुझे एक बंदा इनकी टीम का सबसे पीरो प्लेयर पीरो सीधा आकर खड़ा हो गया, और बंदे एम कर रहे हैं स्क्वाड हाउस पे, वाह इसको तो फिनिश कर देते हैं पहले, मतलब बंदा बाहर निकल के आया एकदम, वो ऊपर भी खड़े हो गए स्क्वाड हाउस पे एम कर रहा है, वाह। तो अभी मैं इधर बैठा हुआ था, तभी मैंने इनसे ना मजे लेना शुरू कर दिए इस तरीके से, देखो ये इसे कहते हैं मजे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका ना गेट पे सारा ध्यान बिजी कर दिया, बल्ले भैया। अब देखो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो यार, ये मतलब छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है, कोई बहुत बड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। तो अगर मेरे पे ओम होती सब बताऊँ तो एक गोली में जाना ही था, कार 90 एक गोली में ही जाता, और क्या पता दूसरा भी दिख रहा होता कहीं और होता, तो उसके लिए तो मतलब मुसीबत आनी ही है उनकी टीम के लिए। मेरे साथ कोई होता तो अभी तक वो पुश कर चुका था, बट मेरे को दिक्कत ही है घास। तभी मुझे पीछे से फुटस्टेप आ गया। अब भैया ये बंदा पूरा ओपन से भागता हुआ आया और इस गाड़ी के पीछे बैठ के पता नहीं कहाँ एम कर रहा था। अच्छा वो तो मैं किस घर में था और मुझे हल्का सा फुटस्टेप आ गया, तो मुझे पता लग गया था कोई ना कोई बंदा रोटेट कर कर आया पूरा ये टीम, मतलब कि ये जो बंदा था थोड़ा दिमाग लगा रहा था अच्छे वाला। तो मैंने कहा चलो भाई बढ़िया है। अब यहाँ पर पीछे जो फाइट हुई है ना भाई साहब, ऐसे गोलियाँ चली हैं पूछो मत। मैंने कहा चलो भैया इतनी गोलियाँ तुम चला ही रहे हो तो तुम्हारी फाइट हो ही रही है, तो मैंने कहा पुश कर देते भैया, मैं देरी किस बात की, तो मैंने पुश कर दिया। तो भैया यहाँ पर तो दो बंदों की ऐसी भीड़ बनाई कि पूछो मत, मतलब मैं पूरा क्लियरली साउंड ले चुका था, एंड यहाँ पर टीवी भी लेके इनको भी मैंने मार दिया। अब तभी मुझे पता लगा कि यार सामने से भी जो है बंदे तो आ ही रहे, मतलब कि वो लोग पहले से ही लगे पड़े हैं फायर करने में। अब तुम खुद सोच लो भैया, मतलब कि दो स्क्वाड इस घर में है। अब दो स्क्वाड मेरे को लग रहा था ना कि पीछे की तरफ है, क्योंकि यार उनकी फाइट हुई थी, उन्होंने कार पर एक स्प्रे दिया था जो कि आगे गई है कार, मतलब लगभग आस पास 4-5 स्क्वाड थी। तभी मुझे पीछे से बंदे आते हुए नजर आ गए, तो मैंने कहा नहीं यार ये लोग, मैं एकदम ओपन में हूँ, अगर कहीं से भी लेट लेट के आ गए राइट लेफ्ट से नेड मार दिया मेरे, मैं तो भैया खत्म सा हो जाऊंगा एकदम। तो मैंने कहा चलो भैया अभी चलते हैं शांति से, ऊपर चल के लेटते हैं, जब जोन आएगा तो देखी जाएगी, क्योंकि जोन भी आने वाला है और इनको कोई चिंता ही नहीं है। तो मैंने कहा अपना हम हील करते हैं, अपना थोड़ा बहुत बैठते हैं। तभी मुझे एक फुटस्टेप आ गया, मतलब बंदा नीचे बैठ के फर्स्ट एड ले रहा है यार, क्या ही बोलूँ अब। यहाँ पर अब देखो ये बंदा बैठ के फर्स्ट एड ले रहा है, यहाँ पर ऊपर से बाइजन चला रहा है एक, तो यहाँ पर मैंने इसको ही मार दिया। एंड ये जो बंदा था ये भी नॉकडाउन हुआ, तो अभी कुछ पता ही नहीं है बंदे कितने बचे हैं भैया, क्या हो रहा है ये। एक स्क्वाड में पहली मार चुका हूँ, एक ये लोग मार चुके हैं, अब एक ही अलग नॉकडाउन हो गया। तो मैंने कहा भैया वहाँ से मैं गाड़ी लेके जो निकला हूँ ना भैया पूछो मत, पीछे एक और स्क्वाड थी वो क्यों निकल गई थी वो भी गाड़ी लेके। तो मैं अभी बग्गी लेकर जो है इधर उधर घुमा ही रहा था, तभी मैं इधर की तरफ लाके रोकी, क्योंकि हिल पर भी बंदे बैठे हुए थे फायरिंग कर रहे थे, और नीचे घरों वालों पे ये लोग फायर कर रहे थे, और वो घर वाले भी लगे पड़े थे, मतलब कार 98 M24 AWM तीनों एक दूसरे के ऊपर भड़ाई बढ़ तड़ाई तड़ चलाए जा रहे थे। तो यहाँ पर यार एक तो मेरे पे देख लो कितना अच्छा स्कोप है, मतलब ओम मिल गई है लेकिन स्कोप इतना बढ़िया है कि पूछो मत। तो यही मेरी सबसे ख़राब किस्मत थी इस वाले मैच की, कि मेरे को ओम उठानी ही नहीं थी। ओम उठाई तो मेरे को यार उसमें चाहिए था 8x या फिर 6x, तो अब से मैं यार बिना 8x 6x के ओम नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आपको मेरी एंड में एक बहुत बड़ी गलती दिखने को मिलने वाली है। तो अभी हम चलते पहले तो जोन में, क्योंकि मतलब जोन में नहीं इनसे फाइट लेने को अपने को चाहिए ज़्यादा किल, केडी की भूख है, केडी की भूख तो इन्हें किल की भूख है, अगर ज़्यादा किल नहीं निकले तो गेम प्ले में मज़ा नहीं आएगा, बट यार तुम्हारा भाई मज़ा देगा ना तुम्हें। अभी चलते हैं सीधा पुश करने, बिना खाली बैठे हुए गेम प्ले नहीं डालेंगे, सीधा पुश करेंगे सामने वाले घरों में।
अब जब मैं इधर की तरफ पहुंचा तो मैं कांप गया, मतलब बिल्कुल एकदम मैं सर्दी सी आ गई, क्योंकि मुझे पता था हिल पर बंदे बैठे और मैं बहुत गलत पोजीशन पे आकर खड़ा हो चुका हूँ, तो मैं चाह रहा था कि वो लोग स्पोर्ट ना करें। तभी मुझे एक बंदा लेटा हुआ नजर आ गया, मतलब कि बंदा लेट गया यार, यही डर होता है। अब यहाँ पर जो बंदा लेट कर आया था, सोचो यार एक बार खुद सोचो कि यहाँ पर अगर अभी एक और बंदा लेटा होता तो मेरा क्या हाल होता, बट थोड़ी भगवान ने किस्मत का साथ दिया कि वहाँ पर एक बंदा और नहीं लेटा था। तो यार मतलब ऐसा सांप बन जाते हैं यार, कुछ पता ही नहीं चलता यार, मतलब कि कॉम्पिटिटिव थोड़ी चल रहा है यार, जो इतना बुरा मारते हो तुम लेट लेट के। कॉम्पिटिटिव में तो चलता है यार, कॉम्पिटिटिव में लेटना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव में सब लोग यार मेनली रैंक के लिए खेलते हैं, तो रैंक के लिए लेटना पड़ता है। बट यार यहाँ पर क्यों मार रहे हो लेट लेट के, यहाँ तो थोड़ा अग्रेसिवनेस दिखाओ, थोड़ी सी रैंक की तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कहा भैया हिल वाले बहुत गंदा मार रहे थे, और जो मेरे पीछे स्क्वाड थी ना वो भी गाड़ी लेके निकल गई पहली फुर्सत में, तो मैंने कहा भैया ये मेरा बना दें कुत्ता, क्योंकि उनपे ओम है, M24 है, 8X है, 6X है, दो ओम थी और एक K98 थी शायद, और 8X 6X लेकर बैठे यार, तो मतलब बहुत हार्ड था उनसे सर्वाइव करना। तो मैंने कहा नहीं यार अपने अभी अपने बस की ऐसी बात नहीं, जोन नहीं अपने पे, इसलिए मैंने कहा चलो निकल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि अपना साथ ही नहीं दे रहा भाई, मतलब स्कोप मिल जाता ना इनकी क्रेट से तो मज़ा आ जाता भैया। वहाँ पर एक बंदे को मारा, उस पर कुछ था ही नहीं यार, एकदम गरीब। तो मैंने कहा चलो भैया चलते हैं सीधा दूसरे वाले घरों में। एंड बग्गी तो भैया अलग ही माइकल जैक्सन बन रही है, ऐसे स्टंट मार रही है क्या ही बोले। अब कल को स्टंट का कंपटीशन होता है ना, टूर्नामेंट आता है, तो भैया मैं सबसे ज़्यादा हारूंगा, क्योंकि उस टाइम ये घूमेगी नहीं, उस टाइम नहीं घूमेगी, अभी घूमेगी। तो मैंने कहा चलो भैया सामने की तरफ बंदे थे तो इन्हें भी निपटाते हैं। तो भाई ये लोग तो यार बिल्कुल लूट में मस्त मगन थे, एंड ये बहुत अच्छा स्क्वाड था, बिल्कुल चारों बंदे साथ थे, अच्छा खेल रहे थे, मजा आ गया इनका गेम प्ले देख के। तो यहाँ पर एक बंदा गाड़ी के पीछे छुपा था, अगर मेरे पे 6X होता ना तो इनके 2 से 3 बंदे अभी तक मैं नॉकडाउन कर चुका होता, बट यार क्या ही बोले 6X था ही नहीं, और उस बंदे ने अपनी गाड़ी पे गोली मार दिया। तो मैंने कहा यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम एक काम करते हैं ना, थोड़ा बहुत होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि यार अपना साथ नहीं दे रहा, स्कोप एक मिल जाता तो अभी तक गेम अपने हाथ में होता। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी एंगल वेंगल बनाने की, बट वो लोग रिच के डाउन में चले गए, उन पर अच्छी पोजीशन थी, ऐसी बात नहीं है, पोजीशन भी उन पर काफ़ी सही थी, एंड स्कोप्स वगैरह गन्स भी ठीक ठाक थी। तो वही दिक्कत होगी सारी की सारी कि इन लोगों ने मेरा गेम ख़राब करा था, आगे चलकर देखना मैं क्या गलती कर बैठूंगा। एंड मुझे कमेंट बताना कि आपने भी ये गलती, तो यार सबने करी होती है, बहुत A to Z पीपल ने जिन्होंने PUBG वेल के लिए गलती करी होती है, बट यार मैंने इस टाइम पर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने पूरे मैच में एंड तक आने में बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया, मतलब कि पूरी ज़्यादा क्या ही बोल रहे हो, मतलब कि पूरा जोर लगा दिया, बंदे को पूरा समझ समझ के, एक चीज़ समझ समझ के पुश करा, एंड एंड में अगर मैं इतनी छोटी सी गलती कर बैठा, पूरा चिकन मेरे हाथ में था, और समझ लो मैंने फ्री में चिकन दे दिया इन लोग को। तो अभी क्या हुआ, सामने की तरफ से फायरिंग का साउंड आ रहा था, तभी मुझे एक बंदा भी जो है नजर आ गया। अब ये भी नॉकडाउन हुआ था, तो मुझे पता था इसके टीममेट भी होंगे, तो उसे ही फोड़ते हैं। चलो तो यहाँ पर एक बंदे को तो मैंने फिनिश कर दिया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, जोन ने पहली बात मेरा साथ नहीं दिया, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जोन ने साथ नहीं दिया, बट सारी गड़बड़ मैं कर बैठा ओम को चलाने में। अब देखना क्या होने वाला आगे, अभी मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगा, क्योंकि आपने खुद ये चीज़ नोटिस करनी है। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी गलती मैं कर ये बैठ गया कि उस वाले बंदे के पास था AWM एंड 8X, जिसकी वजह से उसको पूरा मेरा हेड का व्यू काफ़ी अच्छा मिल गया। और मेरी ये गलती थी कि यार 4X से ना हेडशॉट मारना इतना इजी नहीं होता, 4X से तुम क्लोज में हेडशॉट मार दोगे, मिड में मार दोगे, बट यार लॉन्ग रेंज क्लोज का मतलब 4X स्कोप का हेडशॉट जो होता है यार इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि उसका जो क्रॉस एयर होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है।
तो यही मैं गलती कर बैठा, मेरे को पीक लेना है, मतलब कि उससे फाइट लेनी नहीं थी, होल्ड रखना था, क्योंकि उनको चारों को जोन में आना था एंड उन चारों को आके लेटना था। तो वहां पर जाकर मैं रैंडम नेट्स करता, ग्रोजा का स्प्रे देता, तो शायद एक आध बंदा जो है मर जाता, बट यहाँ पर मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। तो कोई बात नहीं गाइस, आगे चल के और भी अच्छे गेम प्ले आपको देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस जिसको भी लाइव स्ट्रीम देखनी है, तो भाई डेली हमारे चैनल पर 8 बजे के बाद जो है लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है रैंक पुशिंग की। तो भैया हम रैंक पुश करते हैं, काफ़ी मज़ा आता है, पूरी एक्सो क्लैन की स्क्वाड के साथ खेलते हैं, तो प्लीज़ यार उस टाइम पर आप ज्वाइन हो जाना। एंड बहुत सारे लोगों का एक सवाल था, वो लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि आप जो है मतलब दूसरी आईडी क्यों यूज़ करते हो, एक तुम्हारी आईडी है एक्सो ईगल एंड एक है एक्सो जुलवाइटी। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ, आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका एकदम सच और एकदम सही जवाब दूंगा, क्योंकि मैं भाई कोई गलत काम नहीं करता, तो ठीक है, इसलिए मैं कोई झूठ बोलने के लिए आया नहीं हूं। तो जो भी आप पूछोगे एकदम सच बता देता हूं। तो भाई ये जो मेरी दूसरी आईडिया ना एक्सो उज्जवल वाईटी, इसको मैं यूज करता हूं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि इसकी तो फिर रैंक कम होगी, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने के लिए तुम्हारा रैंक कम होगा, इसलिए इजी लो भी आता होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरा करियर रिजल्ट जाकर देखो, पिछले सीजन स्टैट्स में देखना, टीयर में देखना, तो पिछले सीजन में क्राउन गया था, उससे पिछले सीजन भी मैं क्राउन गया था। तो क्या होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड में ना एस जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हें पता होगा क्राउन में भी बहुत अच्छी लोबी आती है, जहां तक अगर तुम्हें थोड़ा भी नॉलेज है तुम्हें पता होगा क्राउन में कैसी लोबी आती है, ठीक है। तो ये वाली आईडी हमेशा क्राउन जाती है जिससे मैं खेलता हूं, एस तक जब मैं जाने लगता हूं तो मेरी बहुत माइनस होने लग जाती है, तो एस तक नहीं पहुंच पाता, मैं खुद बता रहा हूं सोलो वर्सेस स्क्वाड में। बट जो मेरी दूसरी आईडी है एक्सो ईगल, उस आईडी से मैं इसलिए नहीं खेलता सोलो वर्सेस स्क्वाड, क्योंकि वो आईडी इसलिए है कि मैं अपने स्क्वाड अपने क्लैन प्लेयर्स के साथ उससे रैंक पुशिंग करूं। अगर मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने लग गया ना तो मेरा रैंक पुश नहीं हो पाएगा, ज्यादा किल्स निकल जाएंगे बट मेरा रैंक पुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड में बहुत मैचेस खराब भी जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं आता हूं गेम प्ले रिकॉर्ड करने बैठता हूं और पहले ही मैच में चिकन निकाल के कल वीडियो अपलोड कर देता हूं, भाई बहुत मैचेस खेलने पड़ते हैं, किसी मैच में भाई 12 किल निकल जाते हैं लेकिन आगे चल के मर जाता हूं, कितनी गलतियां हो जाती है छोटी मोटी जिस वजह से मर जाता हूं। बट कुछ कुछ मैचेस होते हैं जिसमें एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट रहता है, पूरा एकदम जोश रहता है कि अंदर भाई अब चिकन निकालना है, कल पब्लिक को ये दिखाना है कि भैया आज तुम्हें मतलब जीत के दिखाऊंगा मैं, तो तब निकलता है गेम प्ले। तो गाइज जिसको भी लगता है मैं कोई झूठ बोलता, कोई चीट करता हूं, तो यार बिल्कुल नहीं करता, आपको जो भी सवाल है कमेंट में बोलो, एकदम सच और एकदम सही जवाब दूंगा, ठीक है। तो जो लोग भी भाई मेरे सपोर्ट में, उन्हें पता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं। तो प्लीज यार वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट में जाकर मुझे ये जरूर बताना कि आपको ये वाला जो गेम प्ले वीडियो कैसा लगा, एंड यहां पर मेरी एक छोटी सी गलती थी, तो वो गलती मेरी भी नहीं थी यार, पूरे मैच में स्कोप ही नहीं मिला, क्या बताऊं। तो गाइस गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। We'll be right back.